तो अभी हमने एक आईडी कॉपी की है, तो इसे यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। ओके, और इस बंदे को कर देते हैं इंस्पेक्ट। तो भाई लोग यहाँ पर आप देख सकते हो इस बंदे ने अभी भी रेड क्रिमिनल बंडल पहना हुआ है। तो सिंपली आ जाइए बैक। बेटे मौज कर दी, मौज कर दी, वाह बेटे वाह, अरे वाह। क्या आप भी बैज 99 की तरह रेयर बंडल्स पहनकर शॉर्ट वीडियोस बनाना चाहते हो? क्या आपको भी लगता है आपके आईडी में रेयर बंडल्स हो? तो फिर आप सही जगह पर आए हो। तो भाई लोग आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप क्रिमिनल बंडल्स को अपने आईडी में ला सकते हो। ओनली क्रिमिनल्स ही नहीं, इस ट्रिक को यूज करके आप लगभग सभी बंडल्स को अपने आईडी में ला सकते हो। तो मैं सीधा पॉइंट पर आता हूँ और इस छोटी सी ट्रिक को स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पास है आलोक भैया। तो इस ट्रिक के लिए हमें जरूरत है एडम चचा की। ओके, लेट्स चेंज द कैरेक्टर। कहाँ पर है हमारे प्रिमिस उर्फ एडम चचा? ये रहे। तो चलो यार, इस कल्लू एडम को लेकर चलते हैं लॉबी में। अगर आपके हाथ में कोई गन स्किन हो तो उसे अनइक्विप कर दो। तो यहाँ पर मैं इस एके को कर देता हूँ अनइक्विप और आ जाइए बैक। तो नेक्स्ट स्टेप में हमें जाना है सेटिंग के ऑप्शन में और यहाँ से कर लो लॉगआउट। तो यहाँ पर एक बार लॉगआउट करने के बाद हमें फिर से लॉगिन करना है, लेकिन थोड़े से डिफरेंट तरीके से। यहाँ पर टैप टू बिगिन कर दो और जैसे ही आपको लगता है कि अभी गेम स्टार्ट होने वाला है तब आपका इंटरनेट ऑफ कर दो। तो फिलहाल आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस होगा। तो अभी आपने इंटरनेट कनेक्शन को कर दो फिर से ऑन। अब इस स्टेप के बाद अपने को जाना होगा स्टोर में। स्टोर में आने के बाद इस आइकॉन पर प्रेस करो। तो यहाँ पर आने के बाद हमको करना होगा 5 सेकंड का टाइम पास, कुछ ऐसे जैसे मैं कर रहा हूँ। 3, 2, 1, चलो आ जाओ बैक, बहुत हो गया। अभी भी आप देख सकते हो अपना कैरेक्टर गायब है। तो नेक्स्ट स्टेप में हमें जाना है ट्रेनिंग ग्राउंड में। ट्रेनिंग ग्राउंड में आने के बाद आपको कुछ नहीं करना, बस एक दो इमोट मारो और आ जाओ बैक। ओके गाइज, अपना कैरेक्टर वापस आ गया एंड नाउ वी आर रेडी टू परफॉर्म आवर ट्रिक। तो अभी मेरा एक दोस्त ऑनलाइन है, इसको एक बार इंस्पेक्ट करता हूँ। यहाँ पर आप लोग मैनुअलर भाई की ग्रेट एंट्री देख सकते हो। इनके पास कोबरा इवेंट के सभी आइटम्स हैं। और इंस्पेक्ट करने के बाद जैसे ही हम बैक आते हैं, यू कैन सी द मैजिक इन फ्रंट ऑफ योर आइज। मुझे कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है, जो कॉस्ट्यूम मैनुअलर भाई ने पहना था वही कॉस्ट्यूम अपने पास भी आ गया। चल छैया 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 छैया, चल छैया 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 छैया, छैया 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 छैया, चल छैया छैया। कुछ इस तरह आप लोग सेम कॉस्ट्यूम पहनकर यूट्यूब शॉर्ट्स या फिर रील्स बना सकते हो। तो अभी इसी ट्रिक का यूज करके हम लोग क्रिमिनल बंडल्स भी लेंगे। तो उसके लिए हमें आना होगा इस फ्रेंड के सेक्शन में, देन ऐड। और अभी यहाँ पर मैं जो यूआईडी पेस्ट करने वाला हूँ, आपको भी यही यूआईडी पेस्ट करनी है। आप लोग यहाँ पर एक बंदे की आईडी देख सकते हो, लेवल 73 का बंदा है। तो यहाँ पर इस बंदे ने अभी भी ग्रीन क्रिमिनल बंडल पहना हुआ है। तो जैसे हम बैक आते हैं, आप लोग देख सकते हो ग्रीन क्रिमिनल बंडल, जो कि काफ़ी रेयर माना जाता है, वो हमारे आईडी में आ चुका है। तो कुछ इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए हम लोग येलो क्रिमिनल को भी लेने वाले हैं। उसके लिए इस आईडी को पेस्ट करो। तो अभी यहाँ पर अक्ष नाम के एक बंदे की आईडी ओपन हो चुकी है और इसके पास है येलो क्रिमिनल बंडल। तो भाई लोग, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो यार, क्योंकि आगे भी ऐसी कमाल की वीडियोस आने वाली है। इंतजार की घड़ी खत्म हो चुकी है दोस्तों, क्योंकि अभी एंट्री होने वाली है द लेजेंडरी रेड क्रिमिनल बंडल की। मुझे पता है आप लोग वीडियो के स्टार्टिंग से ही रेड क्रिमिनल का ही वेट कर रहे हो। तो अभी हमने एक आईडी कॉपी की है, तो इसे यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। ओके, और इस बंदे को कर देते हैं इंस्पेक्ट। तो भाई लोग, यहाँ पर आप देख सकते हो इस बंदे ने अभी भी रेड क्रिमिनल बंडल पहना हुआ है। तो सिंपली आ जाइए बैक। तो यहाँ पर आप देख सकते हो अपने आईडी में भी आ चुका है द लेजेंडरी रेड क्रिमिनल बंडल। अब यहाँ तक वीडियो देखने के बाद आपके मन में एक डाउट तो होगा कि इस ट्रिक को यूज करने के बाद आपकी आईडी बैन होगी या नहीं होगी। तो आपको बता दूं कि ये कोई हैक नहीं है, ये तो बस एक ग्लिच है जो कि फ्री फायर के अंदर पहले से ही मौजूद है। आप लोग देख सकते हो ये मेरी रियल आईडी है, जो कि 57 लेवल की है। तो यार, अभी मैं आपको इस ट्रिक का डिसएडवांटेज बता देता हूँ। तो डिसएडवांटेज ये है कि आप लोग इन बंडल्स को पहनकर गेम में नहीं जा सकते, मतलब ये वाली ट्रिक बस लॉबी तक ही काम करती है। अगर आप इन बंडल्स को पहनकर खेलना चाहते हैं तो आपको बस एक छोटा सा काम करना होगा। इस वीडियो पर लाइक्स कर दो 30, 30 कर दो यार, बहुत ज्यादा नहीं बोल रहा। उसके बाद मैं आपके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगा कि कैसे आप इन बंडल्स को पहनकर भी गेम में जा सकते हैं और खेल सकते हैं। बाकी आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।